ये जो श्लोक है इसमें महाकवि भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतकम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण के रूप में ये जो श्लोक है वो प्रस्तुत किया है। श्लोक देखिए, दिक् कालाद नव छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। शब्दार्थ देखिए, दिक् कालाद अनव छिन्न है, दिक् दिक् अर्थात दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं? 10 है ना, 10 दिशाएं हैं। तो दिक् दिक् अर्थात दिशाएं और काल, काल यानी समय, भूत वर्तमान और भविष्य, तो 10 दिशाओं और तीनों कालों में अवच्छिन्न यानी परिव्याप्त, दिक् कालाद अवच्छिन्न विनाश रहित दिशाओं काल आदि में परिव्याप्त, जिसका कोई अनंत, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, और 10 दिशाओं तथा तीनों कालों आदि में जिसे मापा नहीं जा सकता, अवच्छिन्न अर्थात मापा नहीं जा सकता। तो 10 दिशाओं में जिसका नहीं मापा जा सकता और तीनों कालों में जिसे नहीं जाना जा सकता, अनंत और जिसका कोई अंत नहीं है अर्थात अंत से रहित अविनाशी, चिन्ह मात्र मूर्तये अर्थात ज्ञानमय स्वरूप वाले, स अनुभूति एक मानाए अर्थात अपने अनुभव एकमात्र प्रमाण के योग्य, अपने अनुभव से ही एकमात्र प्रमाण के योग्य शांताय पूर्ण शांतमय कल्याण करने वाले, तेज से अर्थात ज्योति स्वरूप परमात्मा, परमात्मा के लिए ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए नमः अर्थात नमस्कार है। तो इसमें परम ब्रह्म परमात्मा को नमन किया गया है और उनके जो विशेषण हैं क्या है कि दिक् कालाद अनव छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, यानी पूर्व आदि 10 दिशाओं और भूत भविष्य आदि काल के द्वारा ज्योति स्वरूप या अपरिमेय या मापा नहीं जा सकता ऐसे अविनाशी, अविनाशी और चिन्ह मात्र मूर्ते यानी चैतन्य स्वरूप और स्व अनुभूति मानाए अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य शांताय शांतमय तेज है, तेज से तेज स्वरूप परम ब्रह्म के लिए नमः अर्थात नमस्कार है। दिक् कालाद अनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे, अर्थात पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं और तीनों कालों के द्वारा परिमेय अविनाशी चैतन्य स्वरूप अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य शांतमय तेज स्वरूप परम ब्रह्म के लिए नमस्कार है। परम ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में प्रत्येक क्षण समान रूप से विद्यमान है, किंतु जिसका वर्णन शब्दातीत है अर्थात शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, एकमात्र ज्ञान द्वारा ही उनका अनुभव किया जा सकता है, ऐसे अनुपम अद्वितीय ज्योतिर्मय स्वरूप निर्गुण परमात्मा को प्रणाम है। यहाँ पे अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और स्वाभाविक रूप से परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन किए जाने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।